सो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो कोडिंग डिकोडिंग हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड एप्टीट्यूड। उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था मैथमेटिक्स रिलेटेड, जैसे कि एवरेजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एज, ये सब चीजें थी उसमें, ठीक है। देन हमने विदाउट मैथमेटिक्स यानी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया कोडिंग डिकोडिंग। तो एक हल्का फुल्का आपको आइडिया देना था, तो आइडिया आपको आ गई है। अब कुछ चंद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड देन फिर अगेन हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है ना जिस पर जो हमने अभी हम मेजरली वही टॉपिक ज्यादा कवर करेंगे दोस्तों इस फाउंडेशन में, जिस पर एप्टीट्यूड में ज्यादा क्वेश्चन अधिकतर आते ही है, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में आते ही है, प्रॉफिट एंड लॉस में आते ही है, ठीक है। तो आप कोई भी कंपनी की एप्टी दे दो, जनरली इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन होते ही है, कोडिंग डिकोडिंग पे होते ही है, तो इन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 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 इधर लग गया इसको। क्या बात है, 102 आंसर आ गया है आपका, शानदार। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था शायद, ना 3 या 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने, तो आप लोगों ने आंसर किया है, तो वेरी गुड। देखो एच, अगर एच का हमें कोड दिया है 16, तो सबसे पहले मैंने कहा है जब भी लेटर टू नंबर आ रहा है, फटाफट सोचो, अभी लेटर टू नंबर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल पोजिशन। अल्फाबेटिकल पोजिशन में हम अगर एच देखे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच का पोजिशन तो 8 है। ओके, इसने 8 का 16 कर दिया, मतलब वो क्या कर रहा है, डबल ऑफ पोजिशन, डबल द पोजिशन नंबर, ये यहां से हमें हिंट मिला, बराबर। देन दूसरा वो दे रहा है ट्यून, ट्यून का कोड दिया है 120। चलो देखते हैं, 20 टी का कोड होता है 20, उसका डबल 40। यू का नंबर होता है 21, अल्फाबेट्स में अगर आप काउंट कर लो तो यू का नंबर 21, उसका डबल 42। देखो डबल लेना हमें यहां से हिंट मिली, डबल लेना हमें यहां से हिंट मिली, तो बस हम वही कर रहे हैं। एन का 14 आता है, उसका डबल 26, और ई का 5 आता है, उसका डबल 10। एंड गाइज अगर आप इन सबको ऐड करो ना, सॉरी 28, 14 का डबल 28, तो इन सबको अगर आप ऐड करो तो आपको एग्जैक्ट 120 मिल रहा है। मतलब देखो यहां से आपको हिंट मिली डबल लेना है, यहां से हिंट मिली डबल लेने के बाद ऐड भी करना है अगर मल्टीपल लेटर है, तो बस वही कर लेते हैं फिर। नेक काम में देरी किस बात की, ग्रेट का कोड पूछा है, तो जिन लोगों का नहीं आया एक बार देख लेते, जी यानी 7, उसका डबल 14, आर 18, उसका डबल 36, ई का 5, उसका डबल, ए का 1, उसका डबल, और टी का 20, उसका डबल। सो गाइस देखो ये हो गया 40 और 40 80, अच्छा ये 50 हुआ, ये 50 और 40 90 90 एंड 10 100 102 इज द आंसर। जिसने 102 बोला छा गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर, 102 देने वाले करेक्ट आंसर है जो कि लाजवाब। वेरी गुड, यस अल्फाबेट पोजिशन इनटू 2, वेरी गुड, नाइस नाइस सुपर। अब देखो यहाँ पे डेली का कोड पूछ लिया आपको, डेली डेली का कोड आपको दे दिया है ZMJBE, और आपको पूछा किस बात का कोड है, आपको पूछा है कार्डिनल का कोड, ठीक है। पता है अगर आप यहाँ पे 1-to-1 जा रहे हो ना, आपको पता है पहले हमेशा पूरा दिमाग पूरी सोच किस पे अप्लाई कर देने की है, दिए हुए क्वेश्चन पे पूरा थॉट प्रोसेस इस पे डाल दो। तो यार अगर मैं 1-to-1 जाऊं तो डी और जेड में तो बहुत लंबा गैप है, अगर मैं पीछे भी जाऊं यानी रिवर्स पीछे के हिसाब से सी बी ए जेड, ठीक है पीछे से चौथे नंबर पे, लेकिन क्या ए और एम में 4, 5, 6 का रिलेशन है, नहीं यार, ए तो फर्स्ट पोजीशन पे, एम 13 पोजीशन पे, तो इनमें 12 का गैप है। आई और जे तो यार तुरंत आते हैं, मतलब ये रैंडम चल रहा है, -4 +12 +1, ये क्या हो रहा है, कुछ भी पैटर्न नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारी सोच गलत हो रही है, इसका मतलब हमारा अप्रोच गलत हो रहा है। सो गाइज मैंने कहा ना, अन्ना चारो और चौकन्ना, अगर 1-to-1 नहीं हो रहा है तो रिवर्स देखो, 1-to-1 नहीं हो रहा है तो रिवर्स देखो। सो गाइज देखो अगर आप 1-to-1 तो फेल हो गए, अब रिवर्स देखो, डी के बाद तुरंत ई, अरे क्या बात है, ए के बाद तुरंत बी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, वाई के बाद जेड, मतलब +1 +1 +1 का पैटर्न है गाइस, लेकिन कैसे इन रिवर्स, तो बस आप रिवर्स कर लो, सी के बाद डी, ए के बाद बी, आर के बाद डी के बाद आई जे, एन ओ ए बी एंड लास्ट एल एम। सो दिस इज योर आंसर, एम बी ओ जे ई एस बी डी, एम बी ओ जे ई एस बी डी, सुपर, वेरी गुड। जिसका आंसर ये आया ना छा गया, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का एमबीओ जेई एस बी डी, यस ऑप्शन सी, करेक्ट करेक्ट सुपर, यस नाइस, +1 फ्रॉम बैक, बिल्कुल सही, बहुत ही लाजवाब। एंड नाउ दिस इज थर्ड, 3 होमवर्क दिए थे मैंने आपको, अभी याद आया मुझे, उम्र का तकाजा है, उम्र के हिसाब से इंसान गजनी बनते चलता है।
ऐसा कुछ नहीं आता मुझे। चलो ई का कोड क्या है, अगेन ई का कोड आपको 100 दिया, सोचो कैसे है, सोचो सोचो। ई का नंबर अल्फाबेटिकल पोजीशन 5 आता है, देन ई ए टी ए का 1 आता है और टी का 20 आता है। यार 5 1 और 20 में ऐसा क्या हो रहा है जो 100 कोड बन रहा है? 5 1 और 20 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जब जाके कोड 100 बन रहा है, खत्म। मतलब हर एक लेटर का अल्फाबेटिकल पोजिशन निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। सो आर ए टी, आर माने 18th, ए यानी फर्स्ट एंड टी यानी 20, मल्टीप्लीकेशन करना है, बल्ले बल्ले शावा शावा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चमका, यस बिल्कुल सही पैटर्न चमका है। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर, आज ही हम प्रॉफिट लॉस शुरू भी कर देंगे बस इसके चंद कुछ क्वेश्चन देखने के बाद। चलो सुपर, सबने ऑप्शन आंसर दो। अरे ये रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, ये भी ईट था ये भी ईट था। अरे वाह, चलो एक क्वेश्चन और बच गया हमारा। हाँ जाओ ये देखो क्वेश्चन, इन द सर्टन लैंग्वेज द वर्ड क्रॉल सी आर ए डब्ल्यू एल इज रिटन एज जेड ओ एक्स टी आई। सो आपको पूछा है कि उसी कोड लैंग्वेज में हम फ्रेम को कैसे लिखेंगे, उसी कोड लैंग्वेज में हाउ कैन वी राइट फ्रेम। ठीक है सोचो, सोचो सी के बाद जेड कहाँ आता है, बी ए जेड मतलब तीसरे नंबर पे। अगेन आर के बाद हो, देखो सी का कोड जेड दिया है मतलब -3, जो भी लेटर है उसके तीन पिछला लेटर, जो भी लेटर है उसका तीसरा पिछला जो लेटर है वो उसका कोड बन रहा है। सी के लिए जेड, आर के लिए देखो आर के जस्ट पीछे क्यू देन पी देन ओ, देखो बराबर तीसरे नंबर पे ओ आया तो यहाँ पर भी -3। क्या ओ के भी बराबर तीसरे पीछे एक्स आता है, ए के सॉरी ए के बराबर तीन पीछे एक्स आता है, यस जेड वाई एक्स -3। क्या डब्ल्यू के भी तीन पीछे टी आता है, वी यू टी, हाँ देखो -3 खत्म। सो -3 का पैटर्न आपको हिट कर देना है। F के तीन पीछे, सो F के तीन पीछे कौन आता है, E D C। R के तीन पीछे, R के तीन पीछे आएगा Q P O। A के तीन पीछे X, M के तीन पीछे देख लो M यहाँ पे L K J और E के तीन पीछे, सो D C B C O X J B। C O X J B कहाँ दिख रहा है आपको, C O X J B, ऑप्शन B, B इज द राइट आंसर। कौन कौन से लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, अरे थैंक यू यार मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए थैंक यू। चलो वेरी गुड, सी ओ एक्स जे बी, सी ओ एक्स जे बी, सी ओ एक्स जे बी। वैसे आपको कैसे पता चला मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने तो कभी बताया ही नहीं, मैंने तो उसका जिक्र तक नहीं किया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक लेटर जो मेन वर्ड के लेटर्स है ना, जैसे मेन वर्ड कौन है यहाँ पे क्रॉल, इसके जो भी लेटर है सी आर ए डब्ल्यू एल उनके तीसरा पीछा पीछे का लेटर, बराबर सी के तीन पीछे जेड, बराबर जैसे यहाँ पे देखो सीन उसके तीन पीछे, जस्ट पीछे बी होता है उसके बाद ए और जस्ट ए के, मैंने पहले लेक्चर में भी कहा है ए के पीछे कोई नहीं तो जेड लो, जेड के आगे कोई नहीं तो ए लो। ठीक है यहाँ पे अल्फाबेट मतलब ये जो ABCD ए टू जेड उसको क्या करो, रिपीट एंड रिपीट साइकिल। ठीक है सो आर के तीन पीछे क्यू पी ओ, देखो बराबर ओ आया, देन ए के तीन पीछे डिंग डोंग डिंग मतलब जेड वाई एक्स बराबर एक्स है। तो जिसने रिपीट करने बोला आई होप वो क्लियर होगा कि कुछ नहीं है, -3 का पैटर्न चल रहा है, -3 का पैटर्न चल रहा है। अच्छा मेरा फॉलोअर है, क्या बात है भाई, थैंक्स टू फॉलो, थैंक्स टू फॉलो मी एंड माई चैनल। मेरे नाम से ही मेरा चैनल है, बच्चे पूछ रहे सर चैनल का नाम, मेरा ही नाम विनीत कांकरिया, विनीत कांकरिया। चलो गाइस, अरे मिलेंगे दोस्त, मिलेंगे पक्का मिलेंगे, कॉलेज में ही मिलेंगे हम, बस आप आ जाओ एक बार, सिचुएशन नॉर्मल होगी, फिजिकल कॉलेज शुरू होगी कि मिलेंगे हम, डोंट वरी। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज द वर्ड, अब इसके आईएसएमएस के साथ तो आप भी जुड़ गए हो मैं भी जुड़ गया हूँ, तो मिलते रहेंगे, शानदार।
सो इन सर्टन कोड लैंग्वेज द वर्ड स्प्रिंग इज रिटन एज, तो देखो स्प्रिंग स्प्रिंग इज रिटन एज एच के आई आर एम टी। तो आपको पूछा गया है कि उसी कोड लैंग्वेज में स्माइल कैसे लिखा जाता है, उसी कोड लैंग्वेज में स्माइल कैसे लिखा जाता है। सो स्प्रिंग अगर हम ऐसा लिखते हैं तो स्माइल कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बस आपको दिमाग लगाना है कि यार स्प्रिंग को ऐसे लिखने के पीछे वो क्या दिमाग यूज कर रहा है, और वही दिमाग आपने स्माइल के लिए यूज कर देना है। सोचो सोचो, स्प्रिंग को एच के आई आर एम टी लिखा जाता है तो स्माइल को क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिमाग लगाओ। एच एन आर ओ वी, क्या बात है, एच एन आर ओ वी एक आंसर आया है, बट एक ही आया है, बाकियों को नहीं आया है। सोचो, मतलब आप अभी भी 360 डिग्री अप्रोच से नहीं सोच रहे हो, हर एंगल से नहीं सोच रहे हो, प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू, सिर्फ यही थोड़ी होगा ना, ये होता तो फिर ये तो आपको नर्सरी में रहता, जूनियर सीनियर के जी में रहता, थोड़ा तो और आउट ऑफ द वे जाके सोचना होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो गाइज देखो, अगर मैं एबीसीडी लिखू ना, टोटल एबीसीडी अगर लिखो आप जेड तक, तो कितने लेटर होते हैं, 26, बच्चा बच्चा जानता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये 13 हो गए, टोटल 26 लेटर होते हैं, उसमें से ये 13 हो गए। अब इन 13 को मैं वापस तोड़ता हूँ नीचे, मतलब आधा आधा कर रहा हूँ ना, सो फर्स्ट लाइन में 13 लिख दिए, अब उन्हीं के नीचे 13 लिख रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कैसे लिखे, लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ठीक है। सो गाइज, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि स्प्रिंग का कोड, क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, मतलब क्वेश्चन के ओरिजिनल क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले उसके डेटा पे आते हैं। स्प्रिंग का कोड ये, चेक करते कैसे कोड बना, आपको समझ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। देखो एस का उसने एच बोला है, तो यार एस का एच, अरे यार देखो एग्जैक्ट उसके सामने, मेरे सामने वाली खिड़की में, देखो पी के भी बिल्कुल सामने वाली खिड़की में कौन है, पी के सामने वाली खिड़की, पी कहां पर है, पी रहा है, देखो उसके सामने वाली खिड़की में कौन है, के बराबर पी का कोड क्या है। आर के सामने वाली खिड़की में है आई, आर कहां है, ये रहा उसके सामने आई। इसका मतलब पता है दोस्तों क्या हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को एंटी डिक्शनरी ऑर्डर से, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर कैसे होती है, अगर आप कोई डिक्शनरी परचेस किए होंगे तो वहां पे हमेशा ए से लेकर जेड तक के वर्ड्स दिए होते हैं, यानी ए टू जेड सीक्वेंस फॉलो होता है, तो उसका कोड जेड टू ए पैटर्न में कर दिया है। मतलब अगर मैं ए टू जेड में जाऊं तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, सी, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैं ए टू जेड पैटर्न, बहुत अच्छे से समझना, ए टू जेड पैटर्न में जाऊं तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, सी, बराबर। वही अगर मैं जेड टू ए में आऊं, जेड टू ए, जेड वाई, तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, एक्स, तो पता है सी का कोड दे दिया एक्स, कोई प्लस टू माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री कुछ नहीं हो रहा है, या सिंपल आगे से जो तीसरे नंबर पे आया, पीछे से देखो तीसरे नंबर पे कौन, वो उसका कोड, आगे से जो पांचवें नंबर पे आया, पांचवें नंबर पे कौन आता है, ई, पीछे से पांचवें नंबर पे कौन आता है, वी, वो उसका कोड, आगे से जो फोर्थ नंबर पे आया, फोर्थ नंबर पे है डी, तो पीछे से फोर्थ नंबर पे कौन है, डब्ल्यू, वो उसका कोड, बस यही हुआ है। देखो उसने आपको बोला है एस, तो पता है एस आगे से कौन से नंबर पे आता है, बीस, ट्वेंटी, अगर मैं आगे से चेक करूँ ना तो एस आता है ट्वेंटी नंबर पे, तो बस अब आपको क्या करना है, पीछे से देख लेना है, पीछे से 20 नंबर पे कौन आता है, ये गया गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एच आया, एच आया। बट क्या आप सर, कल तक तो हमें ए टू जेड याद करने का टेंशन था कि पहले नंबर पे कौन, पांचवे पे कौन, दसवें पे कौन, अभी आपने उल्टी एबीसीडी दिमाग में डाल दी, क्या क्या याद रखेंगे सर, कॉन्स में टेबल्स भी याद रखना है, क्या क्या याद रखेंगे, तो इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बताई, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, मेरे सामने वाली खिड़की ट्रिक, मेरे सामने वाली खिड़की ट्रिक, मतलब क्या, कैसे यूज करना है उसको, टोटल 26 लेटर है, पहले 13 लेटर को ए टू एम तक, बराबर 13 लेटर ए टू एम लेफ्ट टू राइट लिखो, और बचे हुए 13 जो है एन टू जेड, उनको राइट टू लेफ्ट लिखो, तो बराबर जो पैटर्न बनेगा ना वो आमने सामने वाला बनेगा। देख लो, आगे से तीन नंबर पे कौन आता है, सी, पीछे से तीन नंबर पे कौन आता है, एक्स, बराबर आमने सामने आए, वही तो मैं यहां बता रहा था, आगे से चार नंबर पे कौन आता है, डी, पीछे से चार नंबर पे डब्ल्यू, आमने सामने, आगे से चार नंबर पे ई, पीछे से चार नंबर पे वी, आमने सामने, देखो वही तो मैं बता रहा था, खत्म। तो अब एक सेकंड, बस ये ट्रिक अगर याद रही तो देखकर आंसर आ जाएगा, लिखने का तरीका बस ऐसे करो,
ठीक है। सो अब आपने देख लिया आई के भी सामने, देखो आई कहाँ पे है, ये रहा आई, उसके सामने है आर, एन के सामने एम है, देखो बराबर एम, और जी के सामने टी है, सो जी 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 उसके सामने टी, सब बराबर मैच हो रहा है। तो अब आपको दिए हुए क्वेश्चन पे आने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। सो सबसे पहले एस, तो एस के सामने वाली खिड़की में रहता है एच, एम के सामने वाली खिड़की में एन, आई के सामने वाली खिड़की में आर, एल के सामने वाली खिड़की में ओ, और ई की सामने वाली खिड़की में वी। खत्म, स्माइल का कोड बन गया एच एन आर ओ वी, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने दिया, बट अप्रिशिएटेड। रिवर्स अप्रोच, परफेक्ट रिवर्स अप्रोच। प्रैक्टिस सर, आई वॉन्टेड टू नो, देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर आई वॉन्टेड टू नो हाउ कैन वी रिमेम्बर द नंबर्स अटैच टू द अल्फाबेट्स विदाउट राइटिंग देम डाउन। सो विदाउट राइटिंग देम डाउन, अब टेबल्स क्या होता है ना, टेबल्स भी तो वही होते हैं मैथमेटिक्स में, बस प्रैक्टिस से बाय हार्ट हो जाते। बचपन में हम, हमारी बुरी आदत हुआ करती थी, हम गाना गाते थे 2 1 2 2 2 4 4 2 3 6, हम गाना गा के रटते थे और इसलिए फिर भूल जाते थे टेबल्स। आज अगर आप टेबल को एक सही तरीके से करो, मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से जितना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, टेबल बाय हार्ट हो जाएगी। रैंडम 14 का टेबल है, उसको एक बार लिख लो, 3 बार पढ़ लो, और मन ही मन कुछ भी फिगर लो, मन ही मन मतलब पेज पे उसको 14 से मल्टीप्लाई करो, अपने मन से कुछ भी फिगर लो उसको 14, जिस भी टेबल को आप आज पढ़ रहे हो ना उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, आपको ये इतना बाय हार्ट हो जाएगा ना, रात में नींद में भी उठाकर पूछा बताओ 49 हजार, आप आंसर दे दोगे, बताओ 14 4 6 हजार, आप आंसर दे दोगे। तो गाना गाकर रटना नहीं होता है टेबल्स को, वो प्रैक्टिस से ही होता है। उसी तरह आपके क्वेश्चन का आंसर है प्रैक्टिस, कि अल्फाबेटिकल पोजीशन कैसे याद रहेगी विदाउट राइटिंग डाउन, तो प्रैक्टिस। अब मैं जो पोजीशन आपको बता रहा हूँ टी की एस की, वो मैं कहाँ लिख रहा हूँ ना आपके सामने, वो प्रैक्टिस से याद हो गया, आप भी सर्टन प्रैक्टिस करो। पर ये तो यार इतना कॉमन सब्जेक्ट है कि आप गूगल को बोल दो 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे दे, वो 100 दे दे, 10 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस पे दे, वो 100 दे दे। तो आप प्रैक्टिस के लिए अगर आप दिल से चाहो तो आपके सामने ढेरों क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे सिर्फ गूगल से, ठीक है। तो जो जो टॉपिक हमारे हो रहे हैं फ्री टाइम में, बस उसके प्रैक्टिस करते रहो बराबर। ऐसे भी आजकल सब बंद है, किसी से मिलना नहीं है, सोशल कुछ एक्टिव नहीं हो, तो ये टाइम यूटिलाइज करो यार। चलो नेक्स्ट, 2 3 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, फटाफट देखो, चलो फास्ट। फास्ट फ्रेंड का कोड दिया है, देखो आप एन टू जेड राइट टू लेफ्ट लिखने का रीजन सिर्फ ये है ना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है, ये मैंने आपको ट्रिक दी मेरी तरफ से, ठीक है। आप चाहे तो उसको पूरा एक लाइन में लिख लो ए टू जेड, या ए टू एम यहाँ लिखो और एन टू जेड भी ऐसे लिखो, बट एन टू जेड अगर ऐसा लिखोगे तो फिर आपको ऐसा देखना होगा आमने सामने वाला, मतलब समझ रहे हो आप, ए बी सी ऐसा करके एम तक, एंड देन एन ओ पी ऐसा करके जेड तक, तो फिर यहाँ जैसे मैंने आपको मेरे आमने सामने वाली खिड़की का पैटर्न बताया, तो वहां कैसे बनेगा ऐसा पैटर्न डायगोनली, ए के बिल्कुल यहां से पहले नंबर पे ए, यहाँ पे पीछे रिवर्स अप्रोच में पहले नंबर पे जेड है, अब यहाँ पे फॉरवर्ड अप्रोच में तीसरे नंबर पे सी है, तो रिवर्स अप्रोच में तीसरे नंबर पे एक्स है, तो आपको ऐसे जाना होगा डायगोनल। सो इतना ना उलझते हुए सबसे बेस्ट ट्रिक बता दी ना, उसको फॉलो करो, कंपल्शन कुछ नहीं होता, कंपल्शन कुछ नहीं होता है, बस आपके ईज ईज ऑफ सॉल्यूशन, कहाँ आपको ईजी जाए वो तरीका आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, बिल्कुल आमने सामने वाली पेयर, जब भी रिवर्स अप्रोच का ये क्वेश्चन, पहली बात ये समझो ये पैटर्न कब अप्लाई करना है, जब रिवर्स अप्रोच है, तो जब भी रिवर्स अप्रोच है, इधर से 3 नंबर पे जो है पीछे से देखो 3 नंबर पे कौन, इधर से 8 नंबर पे जो है पीछे से देखो 8 नंबर पे कौन, अगर ये पैटर्न बने ना दोस्तों तब आपने ये ट्रिक यूज करना है, समझ रहे हो। तो आपको जो पढ़ा गया है वो उनके हिसाब से पढ़ाया गया, ये मेरी तरफ से मैं दी हुई ट्रिक है, ए टू एम लेफ्ट टू राइट एंड देन एन टू जेड राइट टू लेफ्ट, तो बिल्कुल आमने सामने की पेयर बनती है, तो दिमाग भी लगाने की जरूरत है, कंपल्सरी कुछ नहीं, एक बात याद रखो एप्टीट्यूड में देर इज नो नथिंग इज कंपल्सरी,
क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है लेकिन भिन्न भिन्न आया है, अलग अलग आया है, देखते हैं कौन सही कौन गलत। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का कोड दे दिया है GTLSLISJ, पूछ रहा है दोस्त ग्रेट का कोड, क्या बताए। एक बोल रहा है HTHEY, ओके, एक आंसर है HTHEO, मतलब नॉन ऑफ दिस बोलना चाहते हो आप, HTHEY, ये मेजोरिटी में वही आंसर आ रहा है, यस तो वही करेक्ट है। अगेन ये क्या हो रहा है, देखो F के तुरंत बाद F जी आता है, R के दो बाद T आता है RST, I के तीन बाद L आता है ना JKL, E के चार बाद I आता है FGHI, N के पांच बाद S आता है OPQRS, तो बस ये सिंपल सीरीज है, एक एक से बढ़ रही है। G के तुरंत बाद GH, R के दो बाद ST, E के तीन बाद FGH, A के चार बाद BCDE एंड T के पांच बाद UVWXY, so HTHEY is the answer, छा गए दोस्त, जिसका HTHEY आया ना जीत गए, very good, superb, fabulous, fantabulous, yes, आ जाओ। बताओ इसका आंसर, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का कोड दिया है BHSPDRHM, ठीक है, पूछा है डेरिंग का कोड, पूछ रहा है डेरिंग का कोड, ऑर्गेनाइज का देखकर डेरिंग का पूछ रहा है, क्या पैटर्न, कौन बताएगा। कौन बोला, कौन बहुत दिल से डेडिकेटेडली करो एमबीए दोस्तों, करियर ब्राइट रहेगा, फ्यूचर ब्राइट रहेगा। डिवाइड देम इन टू पार्ट्स एंड प्लस वन फ्रॉम बैक, क्या बात है, वेरी गुड, वन ऑप्शन आंसर भी आ रहा है लोगों के, वाओ सुपर। सो यस गाइस, अगर आप इसमें देखो ना थोड़ा, ये अब तक का सबसे हटके क्वेश्चन है, लेटर टू लेटर, मतलब आप पहले तो वन टू वन जाते हो, और बी आर और एच, ये कई रिलेशन मैच नहीं हो रहा ना, तुरंत आगे पीछे वाले नहीं है, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर वाले नहीं है ये, तो कोई बात नहीं, फिर तुरंत हमारे दिमाग में आता है रिवर्स अप्रोच, बट रिवर्स अप्रोच में भी ओ एम ठीक है, बट आर और एच का वो रिलेशन नहीं जो ओ और एम का है, ये जी और डी आर तो और अलग ही जा रहा है, मतलब आप पूरी तसल्ली कर लो प्लस वन से वन टू वन, सॉरी वन टू वन यानी आगे, रिवर्स अप्रोच भी ट्राई कर लो, ठीक है वन टू लास्ट, जब अगर दोनों फेल हो रहे सो हथियार फेंकने से पहले, क्विट करने से पहले एक लास्ट थॉट और देके देखना दोस्तों, इस वर्ड को तोड़ो, इस वर्ड को तोड़ो, तोड़ने का स्टाइल क्या है, अब देखो लेटर कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो चार चार करके तोड़ दो, ये रहे चार, ये रहे चार, अगर छह होते तो तीन तीन करके तोड़ते, देखो इस क्वेश्चन में छह ही है तो आगे आपको तीन तीन करके तोड़ना होगा, दस होते तो पांच पांच, बारह होते तो छह छह, ठीक है, अगर आप बोलोगे सर ये तो आप इवन बता रहे हो सारे, सिक्स एट टेन ट्वेल्व, अगर सात होते तो, सात होते ना तो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो पहले तीन का अलग पैटर्न बनेगा, लास्ट तीन का अलग, ये बीच वाला, नौ होते एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो पहले चार का अलग बनेगा, लास्ट फोर का अलग बनेगा, बीच वाला अलग, ये थॉट तो जब भी वन टू वन बात ना बने, रिवर्स में बात ना बने तो उसको तोड़ो, तोड़ने का स्टाइल भी क्या, अगर इवन है तो हाफ हाफ तोड़ो,
छह है तो तीन, तीन आठ है तो चार, चार दस है तो पांच, पांच और अगर ऑड है तो पहले के तीन बाद के तीन बीच का अलग, पहले के चार बाद के चार बीच का अलग, बीच वाले को हमेशा अलग रखो, ऑड में एक बीच वाला मिलेगा ही आपको उसको अलग रखो, बाकी ऊपर नीचे का पैटर्न। अब देखो पैटर्न बन क्या रहा है, और इतना तो पक्का पैटर्न वन टू वन तो बन ही नहीं रहा है, तो रिवर्स में बनेगा, बट अब रिवर्स भी कैसा देखना है आपको, टुकड़ों में, मतलब इस चार का इस चार के साथ और अगले चार का अगले चार के साथ, बट इन रिवर्स अप्रोच, मतलब वन टू वन तो हो ही नहीं रहा ना, ये हम पहले देख चुके हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, पैटर्न इन चारों का, सो ये ओ का तुरंत प्लस वन पी, यानी तुरंत अगला लेटर आया, देखो आर का तुरंत अगला लेटर एस, जी के बाद तुरंत एच, ए के बाद तुरंत बी, मतलब पहले तीन पहले चार में क्या हो रहा है दोस्तों, यानी फर्स्ट हाफ, मैं पहले चार पहले तीन पहले पांच नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, प्लस वन का पैटर्न बट इन रिवर्स अप्रोच। अब नेक्स्ट हाफ देखो एन एम, अच्छा पिछला लेटर आ, पहले चार में क्या हुआ अगला लेटर, ओ के तुरंत बाद जो है वो आया पी, आर के तुरंत बाद जो है वो आया, बट सेकंड हाफ में क्या हो रहा है पिछला लेटर एन के जस्ट पीछे एम, आई के जस्ट पीछे एच, एस के जस्ट पीछे आर और ई के जस्ट पीछे डी, यानी माइनस वन माइनस वन। तो बस फर्स्ट हाफ में प्लस वन रिवर्स अप्रोच एंड सेकंड हाफ में माइनस वन रिवर्स अप्रोच। सो देख लो ये रहा यहाँ पे, अब यहाँ पे सिक्स लेटर ही जो क्वेश्चन आपको पूछा है, तो ये फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ, बस रिवर्स अप्रोच प्लस वन, पहले हाफ में क्या है प्लस वन प्लस वन, सो डी के बाद ई, ए के बाद बी, आर के बाद एस, और सेकंड हाफ में क्या है माइनस वन, वो भी रिवर्स में, आई के पीछे एच, एन के पीछे एम और जी के पीछे एफ, सो एस बी ई एफ एम एच, एस बी ई एफ एम एच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वन ऑप्शन बिल्कुल सही, ए none of these नहीं है गलत, none of this is wrong, A is the right answer, A is the right answer, E B S J O H नहीं ये तो पूरी तरह गलत है, करेक्ट आंसर इज B E F M H, सबसे पहले ये देखो चमका की नहीं बताओ क्या आंसर है, बाइंड का कोड 1623, टीम का कोड 5874, कुछ है माइंड का, माइंड का कोड पूछा जिसमें कोई माइंड ही नहीं लगाना है, माइंड इट, फोर सिक्स थ्री टू, फोर सिक्स टू थ्री, फोर सिक्स टू थ्री थ्री टू, एक बता रहा है टू थ्री, एक बता रहा है थ्री टू, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, बताओ जल्दी, थ्री टू टू थ्री में टाई हो रहा है, वापिस टू थ्री का एक आ गया, खमान खमान, टू थ्री हाँ हाँ टू थ्री की बाढ़ लग गई, बिल्कुल सही। सो यहाँ पता है अगेन जैसे लेटर में कैसे मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है, वन टू वन नहीं हुआ तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हुआ तो अभी आपने देखा कि उसको तोड़ो यार दोस्तों, तो इसमें भी तो ऐसा हो सकता है ना, अब तक आपने देखा कि जब भी ऐसे कोई भी कोड आए जहाँ पे लेटर टू नंबर वाला पैटर्न है तो हमेशा पोजिशन नंबर का कुछ ना कुछ पैटर्न बना, कभी उसका स्क्वायर बना, कभी मल्टीप्लीकेशन हुआ, कभी एडिशन हुआ, कभी डबल हुआ, कभी उनके डिजिट को ऐड किया आपने, बराबर, तो इसी तरह कुछ ना कुछ पैटर्न बना, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वही है 99% वही है जो अब तक किया, लेकिन 1% चांस ये भी है कि कोई पैटर्न की जरूरत ही नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट, इसको डायरेक्ट कोडिंग पढ़ा जाता है, मतलब पहले लेटर का कोडिंग उसने दे दिया, देखो यहाँ पर भी एक दो तीन चार, चार लेटर है, यहाँ पर भी चार डिजिट्स है, तो यहाँ वन टू वन डायरेक्ट कोडिंग, यानी बी का कोड हुआ वन, आई का कोड हुआ सिक्स, एन का कोड हुआ टू, डी का कोड हुआ थ्री, सर कैसे, कोई लॉजिक ही नहीं, उसने दे दिया तो ले लो, दिस इज एक्सट्रीम केस कि जब भी लेटर टू नंबर पोजीशन से कुछ नहीं हो रहा है, और जनरली अगर आप देखो तो आपको उसने दो हिंट दी है और दोनों हिंट में कोई ना कोई एक बात तो बिल्कुल मैच हो रही है, जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है बी एन टी ई आई एन, नहीं ये लगती थी, चलो इसमें कॉमन तो कोई नहीं है, बट एक चीज आप गौर कर सकते हो कि यहाँ पर भी चार लेटर तो चार डिजिट, यहाँ पर भी चार लेटर तो चार डिजिट, अगर मैं अल्फाबेटिकल पोजीशन से जाऊँ टी का आता है 20, लेकिन यहाँ पे तो कोई रिलेशन ही नहीं 20 का, ना ही 2+0 2 हुआ है, कोई भी बात नहीं बन रही, ई का 5 आता है, ए का 1 आता है, यहाँ कोई 1 भी नहीं है, एम का 13 आता है, मतलब रैंडमली दिया जा रहा है, तो ये आपका एक लास्ट थॉट रहेगा कि जब पोजिशन नंबर फेल होती है पहले तो पोजिशन ही ट्राई करो, 99% केस में वही काम आएगा, बट एट एक्सट्रीम केस 1% केस में फिर आपने सिंपली क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पूछा माइंड का कोड है
लेकिन कोई माइंड इच नहीं लगाना है, माइंड इच नहीं लगाना है, सीधा क्या करना है कॉपी पेस्ट। जैसे यहाँ पे एम, तो एम कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, इसका कोड क्या दिया चौथे नंबर पे, तो यहाँ फोर्थ नंबर पे है फोर, खत्म। इस तरह से आए यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो इधर सेकंड नंबर पे है सिक्स, फिनिश। यहाँ पे एन, एन का टू, एंड डी, डी का थ्री, खेल खत्म। फोर सिक्स टू थ्री, फोर सिक्स टू थ्री, फिनिश। चमका, करेक्ट।